अतना भाई हमर गर्दा हिले लो पूरा मन मिथिलांचल के शान रखले हम चाहम कि रुआ सब ए बबुआ के एक थपड़ी बजा के आशीर्वाद दे दी ताकि असे पूरे बिहार उत्तर प्रदेश में ता हल्का मचावत रहस। रुपेश भैया हमर भाई हवन जैसे पान मसाला में मोहब्बत होला वैसे हमारा उनका में प्रेम बा। अब एगो हम शहर समर्पित करम ओकरा बाद जैसा तोहरा देश होई भाई इतना अच्छा अच्छा नृत्यंगना लोग आइल बा सब लोग गाई लेकिन सब कोई आइल कहां दुए को ताइल दुगो के और देखे बड़ा दिल तरस रहे रहे। अब हम रेफरी तोहरा के बना देनी हां तो केकरा के कैसे खिलाए के बाइक के खेली फॉरवर्ड के खेली तोहरा ऊपर रहे गलती की सही आई आई तो गल जाई तो आई तो गल जाई तो जब आइए गई बड़ा मधुबनी में राहुल भैया के रिसेप्शन में तो दो चार गो और गीत इश्क वाला गई तो हे हमार भाई अभी हने अपन गाड़ी में बैठ के पेमेंट वेमेंट लेके घर चल जाई तो एक बेर ताली बजा के आशीर्वाद दे दिलवा सब इश्क जब हद से हटवार हो गई तबे न हमारी इंतजार बेकार हो गई इसके के बाद कह देना तो सिटी मार दा गलती बात बा साउंड बहुत अच्छा बा उमेश साउंड दरभंगा बा तो तनी मीठा बोली और अच्छा लागी सुनम सबे शहर हम हिंदी में ना बोलमे से कि हिंदी में बोले खातिर हमार भाई रुपेश जी बाड़न हम आरा भोजपुर के धरती से बानी तो भोजपुरीए बोलम मिथिलांचल के धरती पे आके भोजपुरी बोलल बड़ा अच्छा लागता तब हम कहम कि इश्क जब हद से हटवार हो गई तबे न हमारी इंतजार बेकार हो गई इश्क जब हद से हटवार हो गई तबे न हमारी इंतजार बेकार हो गई हमारा के हरियर सिग्नल देले रहो ओपा सुरेश भाई के गाड़ी कैसे पार हो गई ओ एहसास के जीवन दा डाले खातिर हम ई माइक समर्पित करम रुपेश भाई के रुवा दू लाइन बोलो तो हमार आवल सार्थक हो जाई बहुत बहुत आभार बा बड़का भैया आपके दू शब्द मंच पर हेलो हेलो हम चाहेंगे कि बारे हमारे बड़े भैया मुकेश भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जिधर देखते हैं उधर यही नजर आते हैं मैं तो बल बस अपना सा हूं और जो है जहां दिखते हैं यही दिखते हैं और ये शिवेश भैया का प्यार है जो आज आपसे मिल लिए लेकिन बात बाकी मैं कुछ हूं नहीं बस एक शादीशुदा इंसान हूँ ये बोल रहे थे ना मेरे बारे में तो हम चाहेंगे कि बस दो मिनट के लिए बस दो मिनट बोलेंगे उसके बाद मुकेश भैया ही बोलेंगे है ना क्योंकि शादीशुदा इंसान बहुत कम बोलते हैं है ना है ना ऐसे भी हम बहुत कम बोलते हैं अगर बोलेंगे तो लोग कहेगा कि बोलता है इसलिए बहुत कम बोलते हैं बस इतना कहते हुए कि पहली बार आया हूँ लगता नहीं पढ़ाया हूँ कि पहली बार आया हूँ लगता नहीं पढ़ाया हूँ अरे सुदामा पोटली लेकर गए थे कृष्ण से मिलने मैं साज और आवाज लाया हूँ कि अच्छे अच्छे विचार लाया हूँ और जो अभी तक कुंवारे हैं आगे में उनके लिए आम का अचार भी लाया है ना और बस शादीशुदा हूँ और मांग भरने की सजा आज तक पा रहा हूँ बस भैया बीच में उंगली मत कीजिएगा साइड में कीजिएगा हम मांग भरने की सजा आज तक पा रहा हूँ और बीबी की मांगे पूरी करते करते देख लीजिए बाजा बजा के खा रहा हूँ देखिए चाचा भी हंस रहे हैं ऐसा लगता है घर में उनका भी हालत ठीक नहीं है चाचा ऐसी बात है नहीं ना कहते कि ये शादी नहीं आशा बस इतना समझ लीजिए कि ये शादी नहीं आशा बस इतना समझ लीजिए अरे सल्फक्स की गोली है बस चूस कर मजा लीजिए और बड़े भैया भी जानते कि शादीशुदा इंसान कुछ नहीं कर पाते है ना ना शायरी कर पाते ना प्यार कर पाते ना गुस्सा कर पाते मुझे ही देख लीजिए मंच के माध्यम से शिवेश भैया के प्यार और आशीर्वाद से शायरी भी बोल लेता हूँ लेकिन पत्नी के सामने शायरी भी नहीं बोल पाता हूँ एक दिन पत्नी से बस मजाक में दिलवाले का वो शायरी बोल दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था पत्नी हमसे भी टैलेंटेड तुरंत जवाब दे दी कि तुम थे ही गधे तुम्हारे भेजे में कहां दम था कि तुम थे ही गधे तुम्हारे भेजे में कहां दम था अरे ससुरा वहां कश्ती लेके काहे गया था जहां पानी कम था क्योंकि मैं सूरजमुखी वो चंद्रमुखी कि वो सूरजमुखी चंद्रमुखी अरे मैं उससे दुखी वो मुझसे दुखी किसी दिन गांधी सेतु से नीचे कूद जाए फिर दोनों सुखी न होता है ना हेलो अच्छा चलिए ये भी होना चाहिए क्या कीजिएगा कैमरा कितना महंगा हो लेकिन तस्वीर तो मेरा जैसा थोबड़ा है वैसे ना आएगा सुनिए ना एक बार हमारे मुकेश भैया को देखिए ऐसा देखिएगा तो लगेगा कि भगवान बड़े फुर्सत से बनाए है ना और दूसरी बार हमको देखिए ऐसा देखिएगा कि लगेगा कि ससुरा के गूगल से डाउनलोड कर दिया ना 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 ये गलत बात भगवान सब कोई से फुर्सत से बनावे ले
ठीक बा। गूगल तो नया पर हमने के पैदा होइला पर गूगल के सर्च के लिए बने जा ऐसे जे गूगल के एंटरटेनमेंट खातिर गूगल एगो ऐसा वेबसाइट आइल जेकरा माध्यम से यूट्यूबर लोग चलावता तरह तरह के एप्स डाउनलोड हो गइल क्रिएशन हो गइल इंजीनियर साहब लोग के देन बा। जैसे राहुल भैया बनारस बीएचयू घराना में मेडिकल डिपार्टमेंट में बनन हमारा जानकारी बा। हम मास कम्युनिकेशन बीएचयू से के लिए बने अभी पीएचडी में एडमिशन लेवे के बाद जिनका रिसेप्शन पर राहुल भैया बहुत अच्छा एगो मेडिकल के स्टूडेंट तो हम चाहम कि वो राहुल भैया खातिर वो सब ताली बजा के आशीर्वाद दी ताकि मधुबनी के वो अच्छा डॉक्टर बन के इस क्षेत्र के नाम रोशन कर सके। डॉक्टर से ऐसे भी पंगा नहीं लेना चाहिए भैया, इसकी मोहब्बत की बातें हम कर सकते थे लेकिन मधुबनी ऐसा जहाँ मिथिलांचल का धरती है। यन्नू भाई काफी कमाल के संचालन कर रहे थे, जब हमारे गाड़ी में कपड़ा चेंज कर रहे थे तो अच्छे अच्छे शब्दों का आकलन मंचों से आगाज करते थे। डॉक्टर साहब है, मैं डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिनकी सानिध्यता से मंच पर आया। आइए मैं एक शेर समर्पित करता हूँ, गार्जियन लोग सुनिएगा, दुनिया की सच्चाई में आगाज करता हूँ। आपके देह के रूह यानी कि रुआ खड़ा हो जाएंगे, सच्चाई घटना आपको आगाज करता हूँ, सुनिएगा डॉक्टर साहब। चार दिन पहले मैं पटना से आ रहा जा रहा था, लोकमान तिलक में दो लोग हम लोग थे और S4 स्लीपर बोगी में चढ़ गए और एक बूढ़ी माँ बर्थ पर लेटी हुई थी। हमने उस माँ से कहा, माँ थोड़ा सा पैर बगल कर लो, हम लोग आ रहा चले जाएंगे। वो माँ झट से उठकर बैठ गई रूपेश भाई और रोने लगी, कही कि बेटे बैठ जा, तुम्हारे जैसे ही मेरे दो लाल हैं। हमने कहा कि माँ मेरे जैसे जब दो लाल हैं तो रो क्यों रही हो, तुम जा कहाँ रही हो, वो तुम्हारे बेटे करते क्या हैं। तब माँ ने जवाब दिया आंख से आंसू गिराते हुए कि बेटे मेरा बड़ा बेटा मुंबई में अरबपति हो गया, छोटा बेटा करोड़पति हो गया, वो बड़े वाले फ्लैट पर रहता है, छोटा बेटा नीचे वाले फ्लैट पर रहता है, मैं नीचे छोटा सा कमरा है मुकेश भाई उसके नीचे रहता हूँ। तब हमने माँ से सवाल किया कि रो क्यों रही है, इसके पीछे कारण क्या है। तब उन्होंने जवाब दिया, बेटे तकलीफ इस बात की है कि जब बेटे ने मुझे बंटवारा कर दिया हमेशा मैं दुखित रहता हूँ, इसलिए कि 15 दिन बड़े बेटे के यहाँ खाना खाती हूँ, 15 दिन छोटे बेटे के यहाँ खाना खाती हूँ, महीने के 30 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन हमने वहाँ माँ से एक सवाल खड़ा किया, साहब इसके बाद आपका ताली रुक नहीं पाएगा, लाइन सुनिएगा। हमने माँ से क्या कहा साहब कि माँ 15 दिन बड़े बेटे के यहाँ खाना खाती हो, 15 दिन छोटे बेटे के यहाँ खाना खाती हो, महीने के 30 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब देना माँ, जिस दिन महीना 31 का लगता है उस दिन क्या करती हो। माँ ने आंखों से आंसू बहाते हुए बोली, बेटे 15 दिन बड़े बेटे के यहाँ खाना खाती हूँ, 15 दिन छोटे बेटे के यहाँ खाना खाती हूँ, महीने के 30 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जिस दिन महीना 31 का लगता है उस दिन पानी पीकर सो जाती हूँ। माँ को किसी ने सुख दिया है क्या? माँ मर जाती है तभी उसको सुकून मिलता है। मनवे की बतिया जीत लेने कौ हम सुन ले पूरे गीत गौ नहीं का चार पंक्ति आगाज करना चाहता हूँ। सीवेश भाई कमाल के गा रहे थे, अनुपमा जी धमाल मचाए, बिकू भी कमाल के गाए और सभी कलाकारों ने अलग जन सैलाब लगाया। पूरे गीत गौ नहीं का चार पंक्ति निवेदित करूंगा, उसके बाद ये भाई को माइक समर्पित करूंगा, आप तक झुमाएंगे, गीत सुनाएंगे कि मौत का घोष में जब थककर सो जाती है माँ, मौत का घोष में जब थककर सो जाती है माँ, फिक्र में बच्चों की हरदम यूं भूल जाती है माँ, हर उस दुआओं को देखिए चोट लगते हैं बच्चे गौर चिल्लाते हैं माँ। माँ के लिए ताली बजा दीजिए, बहुत बहुत आभार आप सबों का। आइए मैं एक शेयर करूंगा, इश्क मोहब्बत की बातें आप कर रहे हैं, इश्क जब हद से हठुआर हो गई रुआ खाती कहानी हाँ, लेकिन रुआ अच्छा ना लगल तब हम कहम कि सिंदूरिया आम के गदराई नीक लागेला, सिंदूरिया आम के गदराई नीक लागेला, जवान देख के अगर नीक लागेला, जब कोई तिरछी नर से छत पर से दांते अंगूरी दबा के भागेला, ये भैया ओकरा प्यार में पगला नीक लागेला, इना के तू प्यार करो तड़ो उ तोरा फेरे में नहीं के आहा। आई एगो धुन बजाबो, बहुत बहुत नीक अपने सब कहलिए, जहां सब के इच्छा होई त दो लाइन मैथिली में बजिए की दर्शक सब हमरा सुनते भैया भैया को सबसे आगे में बिठाइए, सबसे पहले नहीं का फरमाइश होगा। नहीं नहीं 30 दिन का महीना कहाँ होता है, 28 दिन का महीना होता है। वाह वाह एकदम ठीक कहलिए, हम कलाकार सबके मैथिली में बस दो लाइन अभिनंदन कर दे छियन अपने लोगन के, क्योंकि बहुत बेसी समय नहीं है हमरा लग कि दिनों का अभिनंदन आजुक रातों का मैथिली बुझे छे ना,
कोनो मिथिलांचल ऐसा धरती हो यहाँ प्रेम के मध बहेला के ना जाने मिथिलांचल एक बार मिथिलांचल खातिर हमरा तो भोजपुरी नहीं अभी है लेकिन एक चीज हमरा याद अबे भोजपुरी में एक बच्चा के क्लास में पूछल के जे बउआ दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए भोजपुरी में ट्रांसलेशन बनब हमारे अशोक चाचा मंच पा गए हम चाहम के हमारे गार्जियन खातिर थप्पड़ी बजा न दी समझी आ हा 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 का कहनी हमने के हाँ 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 ये प्यार है आपका अशोक चाचा अशोक चाचा विंध्यवासिनी माई के कृपा बाबा विश्वनाथ के कृपा अब अखोरापुर अली काली माई के कृपा कि भैया इतना स्वस्थ कोई के आज तक बिगड़ले नहीं कि शिवेश भैया असही विंध्यवासिनी माई के कृपा बनौले रखस है माइक हम अपना अशोक चाचा के दे हम कुछ बोल के आशीर्वाद दे चाचा मैं मिथिला के धरती पे शिवेश बाबू और अनुपमा यादव जी और तीसरा क्लार्क करके मैं जीतू जी नाम तो नहीं जानता था बिल्कुल मैं सभी का अभिनंदन और हमारे ये समधी जी हैं हाँ। तो इसमें मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ आप लोग आराम से कार्यक्रम का मजा लीजिए शांति पूर्वक क्योंकि ये सांस्कृतिक प्रोग्राम है और पारिवारिक प्रोग्राम है इसमें आराम से सुनिए आराम से आप लोगों के बीच प्रदर्शित करेगा इन लोग अपनी कलाकारों का भरपूर आनंद उठाइए वाह वाह बहुत बहुत साधुवाद गर्जी और